लोकेशन हम लोग पहुंच चुके हैं, हवा में उड़ रहा है। देखो बात करता हुआ रॉबर्ट। अब यहाँ पर हम लोग ने सेल्फ ड्राइव क्वाड बाइक। Hey guys, welcome back to my new vlog. So, आज हम लोगों का है दुबई का जो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है, AI म्यूजियम जिसको कहते हैं, वहाँ का टूर और उसके साथ साथ डेजर्ट सफारी का टूर। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं, ये तो हम लोग होटल मतलब लॉबी में है, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं बाहर। और ब्रेकफास्ट अभी जस्ट किया, अभी देख रहे हैं नीचे से ब्लॉग कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअली आज बहुत लेट हो गया था इसीलिए नीचे से एकदम ब्लॉग स्टार्ट किया। अभी जाएंगे बाहर, अभी फ्यूचर म्यूजियम जाएंगे, वहाँ पर से होने के बाद हम लोग वापस आएंगे होटल और होटल से फिर से जाएंगे डेजर्ट सफारी के लिए। तो फिलहाल के लिए ब्लॉग एंजॉय करो, ज़्यादा पकाते नहीं हैं, लेट्स गो। देखो हमारा गाड़ी और ये देखो लोकेशन, हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पर कुछ फोटो खींचेंगे, उसके बाद जाएंगे ऊपर। ये देखो अभी एंटर किए और ये देखो हवा में उड़ रहा है रोबोट। यही पूरा म्यूजियम में भरा हुआ है, मतलब AI टेक्नोलॉजी से बना हुआ चीज़ है, सब देखने को मिलेगा आप लोगों को। और क्राउड ओवर क्राउडेड है, आप लोग देख सकते हो क्या क्राउड। देखो ऐसे पूरा लाइन है यहाँ पर, ये पूरा अंदर लाइन है, तो क्राउड तो बहुत ज़्यादा है। मतलब ड्राइवर ने बोला कि हम लोग को यहाँ पर 1.5 घंटा लग जाएगा, बट यूजुअली यहाँ पर आधा घंटे से पहले ही हो जाता है। बैंड मिल चुका है और यहाँ पर लाइन देना पड़ा। देखो अभी अंदर का सब ये चल रहा है, स्पेस का पूरा। देखो यहाँ पर अंदर में ये सब है पूरा बना हुआ। और मैं और अंकिल अभी ढूंढने जा रहे हैं क्या क्या देखा जा सकता है, क्या क्या नहीं, मतलब इतना सारा चीज़ है। ये देखो गाइज, यहाँ पर टैग लगा के फोटो खींचना पड़ता है। ये देखो मेरा चेहरा भी स्पेस के सूट में आ गया है। ये देखो बहुत ही अजीब लग रहा है। ये देखो सो ये गाइस देखो DNA लाइब्रेरी आ चुके हैं यहाँ पर। तुम्हारा DNA कहाँ है? बहुत सारा DNA है यहाँ पर, बहुत। ये देखो एक DNA यहाँ पर।
अंदर बहुत सारा शो वगैरह हुआ, फ्यूचर का बहुत चीज़ें दिखाया, वो तो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अंधेरा में बात भी नहीं करना चाहिए, बहुत लोग सुन रहे थे और मैं भी देख रहा था। यहाँ पर एक मतलब सब बहुत सारा चीज़ें रखा हुआ है, ये आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो ये देखो ये है एक सेकेंड फेज मतलब, और यहाँ पर ऑडी का गाड़ी भी है यहाँ पर एक। ये देखो इसका रेंज 700 से 800 किलोमीटर है, यहाँ पर दिखा रहा है 700 से 800 किलोमीटर, और इसका टायर साइज 26 इंच देख सकते हो। यहाँ पर एक गाड़ी है वॉल्सवैगन का, ये भी इलेक्ट्रिक होने वाला है। ये देखो ये एक ई साइकिल है। ये देखो ये एक प्लेन, और नीचे देखो जूम जूम रोबोट आ, ये देखो रोबोट है ये। ये देखो बात करता हुआ रोबोट, हाथ पैर सब है इसका। As a robot, I don't need to eat. ये देखो इतना बड़ा ड्रोन कैमरा टाइप, यहाँ पर कैमरास भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हो। ये देखो ग्रेविटी का सूट है यहाँ पर, ये भी एक ई बाइक, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पर। ये देखो ये डॉग है, ये साइबर डॉग, ये रोबोट का हाथ, ये काइंड ऑफ उड़ी मूवी में दिखाया था। ये उड़ी मूवी में से गरुड़ होता है, और आप लोग अगर देखे हो तो मालूम चल जाएगा वो गरुड़ का टाइप ही, सेम टाइप का है वो ही। ये देखो सब यहाँ पर है बहुत सारा, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये हमारा पूरा ग्रुप है। ये देखो अभी हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्वेशन डेक में आए हैं, ये देखो क्या सुंदर लग रहा है ना भाई, क्राउड भी बहुत सारा है। फिलहाल के लिए आप लोग एक टाइमलेस एंजॉय करो। सो ये देखो अभी हमारा पूरा हो चुका है, बैठे हुए हैं अभी लॉबी में बैठे हैं और गाड़ी का वेट कर रहे हैं। एक बार गाड़ी आता है तो हम लोग निकल जाएंगे होटल के लिए, होटल में जाके लंच करेंगे, लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट लेंगे, और 2:30 बजे को हम लोगों का डेजर्ट सफारी का पिकअप है, पूरा रात तक चलेगा डेजर्ट सफारी होगा। उसके बाद लामा प्रीमियम कैंप में हमारा खाना पीना होगा, और वहाँ पर वो डांस बेली डांस वो सब होता है, जो तनेरा शो वो बहुत सारा शो होता है वो सब होगा। तो फिलहाल के लिए भी निकलते हैं, और भाई भी यहाँ पर मेरे लिए देखा खुशी। अभी वो फ्यूचर में वो सब करके लंच करके हम लोग अभी रूम में आए हैं। अभी बज रहा है 1:45, तो 2:30 में हमारा पिकअप है, मतलब 45 मिनट्स का ब्रेक है। तो अभी थोड़ा रेस्ट लेंगे, उसके बाद डेजर्ट सफारी है, लामा प्रीमियम कैंप में डिनर है, इवनिंग वाला बेली डांस वो सब शो वगैरह जो भी है पूरा दिन का है, मतलब 2:45 से शुरू होता है, मतलब 2:30 से 2:45 में हमारा पिकअप होगा, 15 मिनट का गैप रहता है उस टाइम में पिकअप हो जाता है, और उस टाइम से पूरा रात तक हमारा आज का पूरा डेजर्ट सफारी में है। तो आप लोग देखो ब्लॉग को, एंजॉय करो डेजर्ट सफारी, मतलब आप लोग जानते हो दुबई का डेजर्ट कैसा है। ये देखो अभी हम लोग रूफ टॉप में आए थे हमारा हॉलीडे का, ये देखो यहाँ से, ये देखो बुर्ज अल अरब दिख रहा है, और अटलांटिस वो देखो, वो जो दिख रहा है ना ये वाला अटलांटिस, और इस साइड में भी बुर्ज खलीफा दिखता है, अभी दिखेगा नहीं मालूम है, ये ढक चुका है, रात को दिख रहा था पिछले वाले ब्लॉग में, आप लोगों ने शायद देखा पिछले वाले ब्लॉग में दिख रहा था। अभी इतना धूप आ रहा है ना आँखों में, इसलिए आँख खोल के ब्लॉग नहीं कर सकते। अभी सुबह सुबह यहाँ पर थोड़ा क्लाउडी वेदर है इस साइड में, मतलब वो न्यू दुबई हर टाइम मतलब मॉर्निंग के टाइम क्लाउडी रहता है, तो इसलिए बुर्ज खलीफा नहीं दिख रहा है, रात को दिखाई दिया था, मतलब पिछले वाला ब्लॉग जाके देख सकते हो, अबू धाबी का जो ब्लॉग था उसमें दिखाई किया था, मैं रूफ टॉप में शाम के टाइम आया था उस टाइम से दिखाया था मैं व्यू। तो गाइस अभी हम लोग डेजर्ट सफारी के लिए निकल रहे हैं, ये देखो ये हमारा गाड़ी, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं, लेट्स गो।
अभी लोकेशन के करीब पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हो रास्ता शुरू हो गया, अभी एंटर करने वाले हैं और डेजर्ट सफारी होने वाला है। अभी यहाँ पर हम लोग ने सेल्फ ड्राइव क्वाड बाइक किया है, मतलब हम लोग खुद चलाएंगे। ये दो क्वाड बाइक बुक किया है, ये देख सकते हो। तो अभी ये देखो मैं चला रहा हूँ खुद सेल्फ ड्राइव, तो आप लोग को एक वीडियो देते हैं, चलो। तो गाइज अभी फिलहाल वो क्वाड बाइक राइड हो चुका है, अभी ये गाड़ी का राइड होगा। वो क्वाड बाइक तो एडिशनल था, गाड़ी हमारा मतलब हो गया था पैकेज में, ऑलरेडी इंक्लूडेड था। और एक मतलब जो क्वाड बाइक किया वो ऑप्शनली किया, मतलब देख के अच्छा लगा तो बोला कि कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल का कार सफारी इंजॉय करो। ये देखो 360 रेडी है और चालू होने वाला है, बहुत जल्द। ये देखो अभी खड़े हुए हैं डेजर्ट के बीच में, एकदम फोटो सेशन चल रहा है। ये देखो पूरा क्या सुंदर वेदर आ रहा है ना भाई। अभी यहाँ पर ये 360 मेरा भाई इतना रिक्स लेके निकाला हो ना, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ हुआ तो हम लोगों को मत बोलना क्योंकि ये बीच में चला जाएगा अंदर एकदम, तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इतना रिक्स लेके। ये कैमरा मेरा ऐसे ऐसे गिरते गिरते दो पर बचा है। सो गाइस अभी पहुँच चुके हैं हम लोग लामा प्रीमियम कैंप, और यहाँ पर हम लोगों का खाने वाना होने वाला है और यहाँ पर शो भी होने वाला है, देख सकते हो। यहाँ पर जैसा मम्मी, यहाँ पर भाई सब बैठे हुए हैं, यहाँ पर चेयर वगैरह है। सो अभी यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। ये देखो यहाँ पर इवेंट चालू है और यहाँ पर खाना वाना मिल रहा है सब, देख सकते हो। यहाँ पर प्लेट्स उठाते हैं और खाना चालू कर दो, स्टार्टर्स वगैरह सब है यहाँ पर, मतलब चिकन विकन सब सब। यहाँ पर एक ट्री दिखा तो भाई व्लॉग करने चले आए, मतलब व्लॉगर्स लाइफ। ये देखो यहाँ पर कैंप है, यहाँ पर गाड़ी का पार्किंग, वो सामने पूरा कैंप, वहाँ पर सब डांस वांस सब हो रहा था। हम लोग यहाँ पर थोड़ा फोटोशूट करने आए हैं, फोटो खींचेंगे, उसके बाद फिर से खाना पीना करेंगे, उसके बाद फिर से शो होगा, वो सब देखेंगे। सो गाइज आप लोग जो देखे मतलब वो शॉट, मतलब वो क्लिप, उसके बाद मतलब मैं गाड़ी में बैठा और सो गया भाई, पूरा सो गया। और उसके बाद होटल पहुंचा, होटल आके फ्रेश फ्रेश हुआ और याद आया कि भाई मैंने व्लॉग ही नहीं किया। तो गाइज अभी व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर ये आज का स्वीट एंड सिंपल व्लॉग आप लोग को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना।
आज का व्लॉग में ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये डेजर्ट सफारी भाई, मतलब वो गाड़ी चलाया, मतलब वो क्वाड बाइक, उसके बाद मतलब वो जो 360 शॉट्स था उसके साथ साथ वो गाड़ी का जो डेजर्ट सफारी था भाई, मस्त लगा, मस्त कैंप में वो खाना पीना। और गाइज आप लोग को एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप लोग दुबई आ रहे हो, मतलब कोई भी आ रहा है मेरा ब्लॉग देख के या मेरा ब्लॉग देखने के बाद प्लान हुआ, कुछ भी है मेरा ब्लॉग अगर देख रहे हो, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दुबई में आ रहे हो तो भाई डेजर्ट सफारी इज अ मस्ट टू। आप लोग कैंप में खाना खाओ या ना खाओ वो कोई इशू नहीं है, पर डेजर्ट सफारी हर एक को करना चाहिए भाई, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। और क्वाड बाइक चलाओ भाई, खुद को चलाने देता है सेल्फ ड्राइव, मतलब हमारे इंडिया में सेल्फ ड्राइव तो नहीं है, मतलब कुछ कुछ टाइम चलाने देता है, पीछे ट्रेनर बैठे रहते हैं, यहाँ पर सेल्फ ड्राइव भाई, एक बार गाइड दे दिया, मतलब गाइड आके बोल दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये, यहाँ से रिवर्स, बाकी सेल्फ ड्राइव करो, पलट जाओ, कुछ भी है उन लोगों का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप लोग वहां पर गिरोगे कुछ भी नहीं होगा, मतलब बहुत लोग मेरे सामने गिरा, मेरा भी गाड़ी एक बार फंस गया था, दो फॉरेनर आए, मेरा भाई आया, तीन लोग मिलकर मेरा गाड़ी खींचे, मेरा गाड़ी एकदम पूरा फंस गया था, चक्का पूरा पूरा फंस गया था, मतलब घूमे ही जा रहा था, आगे भी नहीं जा रहा था, पीछे भी नहीं जा रहा था, पर मेरा टेंशन में आ गया था मैं, तो उसके बाद थोड़ा इशू हुआ, उसके बाद ठीक हो गया सब। तो आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहा हूँ करो, पर एक चीज़ है, मतलब क्वाड बाइक, मतलब एक्सपीरियंस मेरे को उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा लगा, मतलब वो क्वाड बाइक के लिए ही मेरा आज दिन बहुत अच्छा गया। सो गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को बहुत जल्द अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हबीबी वेलकम टू दुबई, बाय बाय गाइस, बाय बाय।